आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि दिल्ली जैसे महानगर में छत के ऊपर 200 देसी की मुर्गी का पालन, जिस पर आप देखिएगा कि कितने बेहतरीन ढंग से छत पर देसी मुर्गी पालन किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने जो वीडियो चल रहा है, यह सरफराज आलम अंसारी जी कबीर नगर दिल्ली से हैं और इन्होंने छत पर देसी मुर्गी पालन किया है। और कमाल की बात यह बता दूं मेरे दोस्त के, दिल्ली जैसे महानगर में आंगन को इन्होंने फ्री रेंज फार्मिंग बनाया और दो फार्म अंदर हैं, ऊपर नेट लगाकर आसमानी रास्ते से जो बाज और चील आकर मुर्गियों को नुकसान पहुंचाते हैं उसकी व्यवस्था भी इन्होंने की हुई है। और सिर्फ हमारे चैनल के वीडियो देखकर, क्योंकि ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो अब यहाँ पर पूरी कहानी सुनते हैं फार्मर से। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महसूस भाई। ये महसूस भाई, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ, कबीर नगर इलाके से, शाहदरा। और ये मैंने आपकी वीडियो देख देख करके ना मुर्गी पालन शुरू करा है, तो माशाल्लाह से सारे बच्चे मेरे बढ़िया हैं, एकदम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आपके बताए हुए इंस्ट्रक्शन से जो है मैं इनको पाल रहा हूँ और मैंने अपनी छत पर ही ये मुर्गी फार्म बनाया है। महसूस भाई, ये मैंने पूरी अपनी छत को नेट से कवर कर दिया है, इस तरीके से नेट डाल दिया है मैंने अपनी छत पर। और इनको पूरा बर्तन वगैरह इनकी साफ़ सफाई के लिए सारे इंतज़ाम मैंने करे हुए हैं महसूस भाई। और ये तीन पार्ट में मैंने जो है अपनी छत पर वो बनाया है, इनके रहने का शेड। ये एक शेड ये है, देखिए महसूस भाई, बर्तन वगैरह सब इसके अंदर मैं रखता हूँ। और अंदर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं अंदर भी इनको दाना डाल देता हूँ, बाकी फिर ये मेरी छत पर बाहर घूमते रहते हैं सारे के सारे। माशाल्लाह ये 190 बच्चे मैंने डाले थे, जिसमें से मेरे पास 2 महीने होने वाले हैं महसूस भाई। ये 2 महीने के बच्चे होने वाले हैं मेरे पास और मैं इनको आपके इंस्ट्रक्शन से दवाइयाँ वगैरह देता रहता हूँ टाइम टाइम पर। और इनको दाना वगैरह मैं पूरा अच्छी तरीके से साफ़ सफाई के साथ मैं देता रहता हूँ। एक शेड मेरा, दूसरा ये है, ये देखिए, और महसूस भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो है आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते हो किस तरीके से मुर्गी पालन करते हैं और कैसे कैसे उनको दवाइयाँ देते हैं, कैसे वैक्सीन देते हैं, तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी इंस्ट्रक्शन में ही आपकी वीडियो के माध्यम से मैं मुर्गी पालन कर रहा हूँ, सफल मुर्गी पालन मुझे लग रहा है ये, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आ रहा है। ये देखिए, ये पूरा मैं छत पर इनको किस तरीके से फीड कराता हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए महसूस भाई, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे भी आप सभी दर्शकों को कहना है, क्योंकि आप हमारे चैनल को इतना पसंद करते हैं और हमारे बताए हुए तरीके पर मुर्गी पालन करके आपको फ़ायदा हो रहा है, यही इस चैनल को बनाने का मकसद है। और आप सबको जानकारी देने का फ़ायदा तभी होगा जब सारे किसानों को इससे फ़ायदा मिले। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर वीडियो देखकर इतने बेहतरीन ढंग से फार्मिंग की जा सकती है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर कितने तरीके से फार्मिंग की जा सकेगी। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग का 14वां बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके रजिस्ट्रेशन 7 और 8 फरवरी को दिन में 11 बजे से 5 बजे के बीच में आप इस नंबर पर फ़ोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में आप सभी जानते हैं क्या क्या सिखाया जाता है, आपने पहले भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर वीडियो है और नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक दे रहा हूं, तो आप जाके देख सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है। और एक वीडियो की लिंक और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जो जूम सेशन हुआ करते हैं उसमें 1 घंटे का वीडियो है, वह भी जाके आप देख सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के 14वें बैच के बारे में एक बार और रिपीट कर देता हूँ,
फरवरी माह में आखिरी सप्ताह की किसी भी तारीख में 14वें बैच की शुरुआत हो जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी एवं 8 फरवरी 2023 को दिन में 11 बजे से 5 बजे के बीच में स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर पर कॉल करके अपना स्थान बुक करा सकते हैं। और आप सभी जानते हैं हमें 40 लोगों को लेना होता है और यह बैच 2 दिन में फुल हो जाता है। तो आपका समय ख़राब ना करते हुए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।